कभी इमाम कासिम आ गए सामने, कभी हजरत अब्बास अलमबरदार आ गए, कभी हजरत हुर आ गए। कहा भाई जान हजरत हजरत अब्बास अलमबरदार आ गए। कहा भाई रुक जाओ, कहा मैं जाऊंगा मैदान कारबला में। हजरत अली अकबर आ गए। कहा आपका जान रुक जाइए, पहले मैं जाऊंगा मैदान कारबला में। हजरत इमाम कासिम आ गए। क्या चाचा रुक जाइए, पहले मैं जाऊंगा मैदान में, पहले मैं जाऊंगी यजीदियों का खात्मा करने के लिए। मैं कहता साहब वहां बिरयानी नहीं बन रही है, वहां तलवार की जरब लगाई जाएगी, वहां नेजा मारा जाएगा, वहां भाले लगाए जाएंगे, किसी के बाजू कटेंगे, किसी के गर्दन। एक बार दोस्त कहीं यार रसूल अल्लाह, हजरत इमाम हुसैन जब जब तैयार होकर के जाना चाहे तब तक रोक दिया गया। कभी हजरत अब्बास अलमबरदार आ गए, कभी हजरत कासिम आ गए, कभी हजरत अली अकबर आ गए। ये तो बिरयानी का झगड़ा हम लोग करते हैं। एक आदमी बिरयानी खा रहा था कुर्सी पे बैठ कर, दस लोग उस कुर्सी को घेर कर खड़े होते हैं कि भाई साहब उठेंगे मैं पहले भागा भेजूंगा। वो मैदान का भाला है, वहां जान जाएगी, वहां बाजू कटेगा। फिर हजरत हु आगे क्यों आए, हजरत अब्बास अलमबरदार सामने क्यों है, हजरत अली अकबर सामने क्यों आए, हजरत इमाम कासिम क्यों है, हजरत इमाम हुसैन को जाने क्यों नहीं दे रहे। क्या उनको दर्द नहीं होता है, क्या उन्हें तकलीफ नहीं होती है? क्या तकलीफें होती है, मगर हल्की सी तकलीफ होती है। मगर कौन सी चीज है जो उन्हें इतना परेशान कर रही है, इतनी बेचैनी किस चीज के लिए? हजरत उमर फारूक ने जिंदगी भर शहादत की दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा रज़ुकना शहादा तो मौतों की बला भी हबीबिक ऐ परवरदिगार आलम, या तो तेरे हबीब के शहर में मौत अता फरमा या फिर शहादत वाली मौत अता फरमा। हजरत उमर फारूक जा रहे मैदान जंग में, उनके भाई से जिया रखी हुई है। जिया किसे बोलते हैं? बुलेट प्रूफ जैकेट जिस तरह आपकी तारीख में है, उसी तरह कई लोग जिरे पहना करते थे ताकि तलवार की वार लगाई जाए तो उस जिरे की वजह से बॉडी पर उनका असर न पड़े। उमर फरमाते अपने भाई से जिरा पहन लो, उनका भाई बोलता है भाई आप पहन लीजिए। उमर फारूक ने डांटा तो उनके भाई बोलते हैं क्या लगता है शहादत की तमन्ना सिर्फ आपके दिल में है क्या? मैं नहीं चाहता हूं कि खुदा की राह में कत्ल किया जाओ, मैं भी शहीद होना चाहता हूं। मैं कहता इनको मौत से डर नहीं था, हम मौत से डरने लगे दुनिया डराने लगी। इनके सीने में शहादत का इतना बड़ा शौक कैसे, तो दुनिया जानती नहीं है। मगर मुस्तफा ने 1400 बरस पहले इस मसले का हल निकाल दिया है। चाहे बड़े से बड़ा आदमी, बड़े से बड़ा साहिद, बड़े से बड़ा नेक आदमी जब वो मरेगा, जब वो इंतकाल करेगा, नेक आदमी होगा भी तो जन्नत में तब जाएगा जब मैदान मशर का हिसाब किताब होगा। मगर जो अल्लाह के रास्ते में शहीद किया जाता है, कत्ल किया जाता है, यहां कत्ल हुआ वहां जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत के सारे दरवाजे।